हे गाइस, तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग आपको मेरी ड्रेस दिखा के कर रही हूँ। तो आप देखिए कैसी मेरी ड्रेस लग रही है। ये फुल ड्रेस है और मैक्सी ड्रेस है, बहुत हल्की है, वरना मतलब मैं इस तरीके से पहनती नहीं हूँ फुल स्लीव्स। बट मुझे इतनी सुंदर ड्रेस लगने वाली है, मुझे नहीं पता था। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मतलब जो मैंने आपको बोला था कि ड्रेस मुझे सारी ड्रेसेस में थोड़ी सी कम पसंद आ रही है, बट मुझे नहीं पता था मतलब पहन के इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, मतलब सच में कहते हैं ना। और उनको ड्रेस बहुत 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 पसंद आई थी, और उन्हें बोला था इस ड्रेस का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनका ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। तो आज मैंने जब पहनी ना, सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मैंने, और उनको बोला कि मैंने आपको वीडियो कॉल करी थी ना दिखाने को, इसलिए आपने मेरे को नज़र लगा दी। और मैं वीडियो देखते देखते मुझे आँख लग गई, मैं इसलिए कपड़ा लेकर नहीं सोती हूँ। पंखा कभी मंदा कर रही थी, कभी तेज, क्योंकि मौसम बिगड़ा हुआ है। तो फिर एकदम से मेरी आँख लग गई, एक वीडियो देख रही थी उस पर आँख लगी, दूसरी वीडियो अपने आप ऑटो प्ले हुई उस पर आँख खुल गई। चाय बनाने रखी है, और मतलब मैं उनको पहले तो बताई बाल कैसे लग रहे हैं। बाल मतलब बहुत अच्छे हो गए हैं मेरी, और इससे पहले मेरी वो वीडियो चली जाएगी हेयर केयर की जो मैं कर रही हूँ फिलहाल, जैसे मेरे बाल इतने सुंदर हो गए हैं। चलिए बैठ कर बात करते हैं आप लोगों से। जब भी आप अच्छा फील करते हो, अच्छे लगते हो, आप हमेशा मतलब मन करता है ये भी करो वो भी करो। बहुत अच्छा फील हो रहा है इस ड्रेस को पहन के। तो जैसे ही अरुण का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बोला तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और भगवान जी सोच रहे होंगे इतनी सुंदर लड़की मैंने नीचे कैसे भेज दी, मतलब ये तो मेरे पास होने चाहिए थे। मुझे पता है बहुत ही झूठ है इसमें। अरुण मेरी तारीफ करते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके से उन्होंने मेरी तारीफ़ करी है, बट एक तरीका जो बहुत अच्छा है, जिन्होंने एक बार मेरी तारीफ़ करी थी, पता है वो क्या है? उनको पता है मेरे को तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, मेकअप लवर हूँ। अब तो घर में रह रहे के इतना वो नहीं होता मुझे, और घर में रह के स्किन थोड़ी अच्छी हो गई है, थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी हो गई है, तो इतना नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। बट एक बार उन्होंने मेरी तारीफ, मेरी चूड़ियाँ भी मैच हो रही ना इस ड्रेस पे, मैं ऐसे फ़ोटो लेती हूँ अच्छा लग रहा है मेरे। तो उन्होंने एक बार मेरी एक फ़ोटो देख के पता है क्या तारीफ़ करी थी, उन्होंने एक बार मेरी एक फ़ोटो देखी थी और उसको देखकर ये तारीफ़ करी थी कि भगवान जी ने बताया तुम्हें तैयार होने के लिए भेजा है नीचे। उन्होंने बोला है जाओ और जितनी तैयार हो सकती है ना उतनी तैयार हो, तुम तैयार हो के अच्छी लगती हो, मतलब हमेशा बन ठन के जो रहती हो वैसी अच्छी लगती हो। ये क्वालिटी वैसे कई जनों को अच्छी लगती है, मेरी मेरे अभी मामू को भी अच्छी लगती है। मतलब उनका ये कहना होता है हर बार, उनका ये वाला जो कमिटमेंट होता है वो हमेशा ही होता है कि मतलब इसको बहुत अच्छा लगता है, हर टाइम तैयार मिलेगी। मैं वैसे हर टाइम तैयार ही मिलती हूँ। जब मेरी शादी हुई हुई थी तो मेरे इन-लॉज कहते थे एक भाभी है इस घर में ऐसी जिसको आप किसी भी टाइम लेकर ना बाजार चले जाओ। तो जब उन्होंने मुझे बात बोली ना भगवान जी ने तुम्हें तैयार होने के लिए भेजा है, मतलब हमेशा के तैयार रहे, तो मतलब तो मैं इसमें खुश हूँ तुझे तैयार देख के। तो मुझे उनकी वाली बात बड़ी अच्छी लगी थी। बार तारीफ़ तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट मतलब ये ड्रेस उनको इतनी पसंद थी, मतलब मैंने तो इसलिए आज पहनी थी कि कुछ नहीं चलो आज एक वीडियो शूट करनी है पहन लेती हूँ उसको, बट मुझे नहीं पता था इतनी सुंदर लगेगी, वरना और उनके सामने ही पहनती बेशक। चाय बनाने रख दिए, मेरे ना सर में काफ़ी दर्द हो रहा है तो मैं चाय पीऊँगी अब। मुझे पता है आप लोगों को भी अच्छी लग रही है कि बाल बहुत प्यारे हो गए हैं, क्या करूँ सारे क्लेचर तोड़ लिए। मैं ना थोड़ा सा हाथों को प्रेशर ज़्यादा दे देती हूँ हमेशा, ये मेरी चीज़ है। किसी डब्बे को बंद करूँगी इतना टाइट बंद करूँगी जल्दी से खुलता नहीं है। ऐसे ही क्लेचर, जहाँ मेरी शादी हुई थी मेरे पास इतने सारे क्लेचर थे, इसको दे उसको दे इसको दे इसको दे, मैं क्लेचर वाला तो यूज़ नहीं करती थी। बाल छोटे करा के आई थी शादी के टाइम पर, ज़्यादा लंबे बाल पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक बाल थे मेरे तो। और अब एक छोटा सा क्लच लगा वो भी टूट गया, और जो एक बचा है वो मेरे बालों में नहीं आ रहा। और ये ऐसा टाइम चल रहा है कि कहीं बाहर जाके कहाँ से खरीदूँ, और ऑनलाइन एक क्लचर तो मैं नहीं खरीदने वाली बेशक। देखती हूँ नीचे देखूँगी सिस्टर इन लॉ पे होगा, उसको लिख कर आऊँगी। कितने तो मेरे लेके लेके चले जाते हैं लोग, आधा तो मुझे पता भी नहीं होता कि कब निकाल के ले जाते, तो सब सर में देखती हूँ तब मुझे पता चलता है अरे तो मेरा ही था। चलिए तो मैं पहले चाय पीती हूँ और चाय लेकर आती हूँ। बहुत 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 सर में दर्द हो रहा है।
पूछोगे कब टूटा सा, और एक्चुअली टूटा हुआ नहीं है ये ना मम्मी ने 1.5-2 साल पहले एक मेरी सिस्टर को एक मुझे दिया था, उसका भी टूट गया, थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, पता नहीं इसी में चाय पीने की इतनी आदत पड़ गई है कि दूसरा उठाने का मन नहीं करता, लगता है वो तो अरुण का है। और फोटो वाले तो हम तभी पीते थे जब हम बने हुए तो वो तो थोड़े से ख़राब हो गए, बट मतलब ये टूटा हुआ नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसी में चाय पीना। तो चलिए पहले मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ। मे भी बारिश बहुत तेज़ होने लगी है, शायद मैं देखती हूँ क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? तो काफ़ी दिन पहले मैंने व्लॉगिंग करी थी, उसके बाद आज कर रही हूँ, और बीच में मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, वीडियो शूट करी थी और डेली डाली हैं और आप लोगों को अच्छी भी लग रही हैं, तो उनमें बहुत टाइम लग जाता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। मैं पूरी दोपहर एक वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, फिर 4 बजे उसको डालती हूँ, और दूसरी वीडियो की एडिटिंग नाइट में करती हूँ, तो फिर उसको अगले दिन मॉर्निंग में डालती हूँ। तो आज मेरे हाथ कुछ अलग से लग रहे होंगे नेल पेंट देखकर। आप लोग सोचोगे मेकअप लवर और नेल पेंट इस तरीके से, तो मुझे नेल पेंट का बिल्कुल शौक नहीं है, नेल्स को अच्छे रखने का बिल्कुल शौक नहीं है, मेरे पास नेल पेंट है भी नहीं। मैं सच बताऊँ आपको, मेरे पास नेल पेंट नहीं है बिल्कुल भी। पैरों का हाल देखोगे तो हंसोगे कि पर्पल के ऊपर ही मैंने रेड नेल पेंट लगा लिया है। मतलब शुरू से ही मुझे नेल्स को अच्छे रखने का, नेल पेंट का शौक नहीं है। मैं आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल में भी दिखा देती हूँ, आप लोग शायद हंसोगे देखकर। ना सारा सामान आपने देख लिया, नेल पेंट कभी नहीं खरीदे 3.5 साल में, कभी लगाया है तो सिर्फ रेड लगाया है, वो भी कितनी बार तो ऐसा होता है फेस्टिव पर भी नहीं लग पाता। पर्पल तो मुझे मिल गया था purple.com से, तो वो हो गया है, वरना बिल्कुल भी नहीं लगाती मैं बिल्कुल भी। तो आज पता नहीं नाखून बहुत ज़्यादा टूटे उटे से बेकार बेकार से हो रहे थे, तो मैंने सोचा रेड नेल पेंट लगा लेती हूँ। आज मैंने एक्चुअली क्या करा है ना, मैंने 2 सेब खा लिए हैं, खाए छोटे छोटे, बट अजीब सा हैवी सा हो गया है मुझे, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है, तो मुझे लगा थोड़ा सा मुझे कुछ लिक्विड पीना चाहिए, तो मैं लेके आई हूँ। देखिए मैं क्या लाई हूँ, ये चॉकलेट बिस्कुट जो भी है, ये मुझे अरुण ने परसों ला के दी थी, तब से फ्रिज में रखी है, तो मैं सोच रही हूँ इसको खा के देखूँ ये कैसी है। और फ्रूटीज लेकर आई हूँ, जैसे अगर वो अटके से जो सेब हो रहे हैं थोड़ा सा डाउन जाए, तो मैं इसको पीती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आई विश आज तो ये व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, आज भी एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है पीरियड्स हैक को लेकर, आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है आजकल लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, तो कुछ चीज़ों को हमें पता होना चाहिए, तो मुझे मतलब यकीन है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए आप लोग उस वीडियो को भी इन्जॉय कीजिएगा, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। हे गाइस, तो आप देख सकते हैं टाइम 10:15 हो रही है, और अरुण क्या कर रहे हैं, ऑफिस से आने के बाद इनका एक ही काम रहता है टेंपल रन खेलना। कर रहे हो इस व्लॉग को, कई दिन हो चुके हैं, ये अब का स्टार्ट नहीं है, मैंने स्टार्ट किया था आज बृहस्पति है, मंडे स्टार्ट किया था, मुझे याद है मैंने जो मंडे वीडियो बनाई थी तब मैंने स्टार्ट किया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आज 4th दिन हो गया है, अब इसको एंड कर रही हूँ। तो व्लॉग वीडियो काफ़ी कम डल रही हैं अब, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइबर काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं, लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं ना, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगर दिन में इतने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और एक मेरी काफ़ी पुरानी वीडियो थी, अगर आप लोग थोड़ा उधर किसको ना, एक सेकंड में उधर की साइड ही जाती हूँ क्योंकि मुझे इधर बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो मेरी ना एक बहुत काफ़ी पुरानी वीडियो थी, शायद लगभग 1 साल पहले की वीडियो, तो मैंने वो डाली थी SPL लाइव लर्निंग के ऊपर। तो वो एक चैनल है, उस पर हर कोई वीडियो बना के डाल सकता है, उसकी कुछ मेंबरशिप पर पता नहीं देना होता है पैसे नहीं देने होते, क्योंकि मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए थे, शायद 10 या 20 रुपये में उसकी मेंबरशिप ली थी एक टाइम पर। तो और मुझे उसकी मेंबरशिप इसलिए भी मिली हुई थी क्योंकि मैं जिस वक्त उनके चैनल पर इस तरह से कुछ, अब मुझे एग्जैक्ट वैसे याद नहीं है, काफ़ी टाइम पहले की बात हो गई, तो मैंने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराया था,
तो तब मैंने जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो उस समय मुझे शायद फ्री में हुआ था, तो मुझे उसकी मेंबरशिप मिली हुई है। मैंने एक साल पहले उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो SPL लाइव लर्निंग करके अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, सतपाल सिंह का चैनल है वो। उनके साथ बहुत सारे चैनल हैं। कोई भी बंदा जो यूट्यूब पे काम करना चाहता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो कुकिंग हो, व्लॉग वीडियो हो, या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कुछ भी हो, आप उस पर बना के उनको मेल कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनको मेल करिए, उनको बताइए कि आप वीडियो बनाना चाहते हैं इस तरीके से। उनका रिप्लाई तुरंत के तुरंत आता है, मतलब उनकी काफ़ी बड़ी टीम है। उससे आपको ये फ़ायदा मिल जाता है, उनके चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों को उनका फ़ायदा भी मिलेगा, उनको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। मैंने भी एक्चुअली उस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई हैं, बट काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे अब क्योंकि मैं नहीं डाल पा रही, क्योंकि मेरे अपने चैनल दो हो गए थे। अच्छा चैनल है उनका, है ना, उस पर कोई भी वर्क कर सकता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही एक्चुअली, वो वीडियो मेरी अब बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मैं इसलिए, मुझे एकदम याद आया कि मैंने हाउस के लिए कोई चैनल के लिए कोई वीडियो बनाई थी, तो अब उस वीडियो पर डेली डेली काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं मुझे उस चैनल, उस वीडियो से। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, वरना मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो डालूंगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। और मैं तो चाहूँगी कि हर बंदा काम करे, और किसी को ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि लोगों को ही रहता है कि चैनल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि YouTube पर स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर करना बहुत बहुत टफ है इस वक्त पे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आ चुके हैं, लोग उनकी वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत करी है ना, मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत लंबा भी इंतज़ार करा लगभग, और मतलब कहीं कहीं जो बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हुई कि मैंने थोड़ा बहुत गैप लिया, अगर मैंने वो नहीं लिया होता तो शायद मेरी 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी पहले हो जाते, क्योंकि मैं रेगुलर वर्क करती थी। मैंने पहले पूरा सीखा, डायरेक्ट वीडियो बनानी नहीं शुरू कर दी थी, पहले सीखा कैसे कैसे होता है। रात के 11 साढ़े 11 बजे तक मैं करती रहती थी, और मतलब सीखती रहती थी, उसके बाद मैंने करना शुरू करा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चैनल स्टार्ट करोगे तो 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, मैं बट कह रही हूँ कि थोड़ा ईजी नहीं है। आप अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आओ, बट थोड़ा सा लोगों को ये लगता है ना कि वही चीज़ कोई और बड़ा यूट्यूबर भी बता रहा है, थोड़ी सी वो वाली बात हो जाती है। बट मैंने काफ़ी मेहनत करी और मैं मतलब यहाँ पहुँची, मुझे बहुत 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 खुशी है कि मैं सब्सक्राइबर अचीव कर पाई, और जल्दी, और मैं चैनल से अर्न भी करूँगी अगर सबकी विशेज़ रही तो, है ना है ना है ना तो इसलिए मतलब मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। बट मैं उस चैनल के लिए आपको इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें आपको सब्सक्राइबर वाली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो रिवेन्यू बनेगा आपके वीडियो से वो आपको मिलता है उसमें, और मतलब बहुत अच्छा चैनल है, आप उस पर जा सकते हो, और वीडियो का मैं लिंक तो डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ज़रूर बेनिफिट रहेगा। और बाकी आप यूट्यूब पर अगर SPL लाइव लर्निंग सर्च करोगे तो आपको बहुत ईजीली वो मिल जाएंगे, क्योंकि उनके चैनल पर मेरे हिसाब से 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी पुराना चैनल है वो, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड करती हूँ मैं, फाइनली वीडियो का एंड उनके साथ हो रहा है और उनके गेम के साथ। चलो, तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा वीडियोस कैसी लग रही हैं जो फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इन चीज़ों की नॉलेज तो मुझे काफ़ी टाइम से थी, बट ये है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी मैं, बट मैंने सोचा है कि मैं एक्सप्रेस करूँगी, क्योंकि मुझे अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो उस बात के बारे में जानते नहीं है, मतलब इतनी एज होने के बाद भी नहीं जानते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबको उस बारे में पता चले। तो धीरे धीरे मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के आगे आने वाली है, तो मुझे पता है आप लोग सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।